गाइज, क्या आपको भी कुछ इस तरह से प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है अगर आप अपने मोबाइल में किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने की कोशिश करते हो? वहां पर आपको शो होता है देयर वाज अ प्रॉब्लम व्हाइल प्रेसिंग द मैसेज। यहाँ पर अगर आपको भी इस प्रॉब्लम से फेस करना पड़ रहा है तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। यहाँ पर मैं आपको 5 से 6 पॉइंट ऐसे बताऊंगा जिनका आपको ध्यान रखना होगा और 101% आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपनी सेटिंग में जाना है और यहाँ पर आपको दिखेगा इंस्टॉल अननोन एप्स। आप जो है इसको जो है यहाँ से अलो कर दीजिए। जैसे ही आप अलो करोगे आप उसके बाद जो है बैक जा सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपके पास जो है किसी और कंपनी का मोबाइल है, यहाँ पर मेरे पास MI का है, अगर आपके पास सैमसंग वगैरह का है तो आप यहाँ पर सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर सर्च कीजिए अननोन सोर्स। यहाँ पर मैं करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अननोन सोर्स जो है यहाँ पर सर्च किया है, तो आपके सामने अननोन सोर्स जो है निकल कर आएगा। तो आप वहां पर जो है उसको ऑप्शन को अलाउ कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा दूसरा ऑप्शन तो मैंने आपको दिखा दिया है, और जो दूसरा काम आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइज, जो दूसरा काम आपको करना है वो है आपके प्ले स्टोर की जो है आपको जो है यहाँ पर क्लियर कैसे करनी पड़ेगी। आप कैसे कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। आपको सेटिंग पर जाना है, यहाँ पर हम सेटिंग पर जाते हैं। आपको सेटिंग पर आने के बाद जो है यहाँ पर सर्च करना है एप्स, जैसा कि मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर एप्स पर क्लिक करना है आपको। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको मैनेज एप्स पर चले जाना है। यहाँ पर आप जो है डायरेक्टली अगर एप्स पर क्लिक करते हैं, कोई दूसरा फोन है तो आपकी एप्स निकल कर आ जाएंगी। यहाँ पर आपको सर्च करना है प्ले स्टोर। यहाँ पर आप देख पाएंगे गूगल प्ले सर्विस और गूगल प्ले स्टोर, यहाँ पर इन दोनों की जो है आपको क्लियर कैसे कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं क्लियर डाटा पर मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद जो है क्लियर कैचे का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर हम इसको कर देते हैं क्लियर। ऐसे ही आपको जो है गूगल प्ले सर्विस का भी कर देना है। यहाँ से हम इसका भी कर देते हैं और ये काम हमारा हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। तो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है गाइज, अगर आपने जो है प्ले स्टोर से किसी एंटीवायरस को डाउनलोड करके रखा है अपने मोबाइल में, तो एंटीवायरस की वजह से जो है आपको कुछ ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है आपके मोबाइल में। तो आपको करना क्या है, आपका जो एंटीवायरस है, कोई भी एंटीवायरस आपके मोबाइल में यहाँ पर आपने इंस्टॉल करके रखा है, तो आपको जो है उसको जो है डायरेक्टली अनइंस्टॉल कर देना है। जैसे मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ, हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए दोस्तों। और जो चौथा काम आपको करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। सो गाइस, जो चौथा काम आपको करना है वो है अगर आप जो है काइन मास्टर को जो आपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेते हो और वो जो है यहाँ पर डाउनलोड नहीं होता है, इंस्टॉल नहीं होता है, तो आपको करना क्या, आपके जो है क्रोम ब्राउजर में जाकर जो है इसको सर्च करना और किसी और प्लेटफॉर्म से आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। हो सकता है वो इंस्टॉल हो जाए आपके यहाँ पर आपके मोबाइल में, और ऐसे में जो है यहाँ पर ये मेन प्रॉब्लम आती है कि आपका जो है कई बार जो है लास्ट एंड फाइनल बात बता रहा हूँ मैं आपको, कई बार कंपेटेबल नहीं होता है आपका जो डिवाइस होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है आपको जो वो वर्जन जो है जिस भी एप्लीकेशन का कोई वर्जन होता है, सपोज कर लीजिए काइन मास्टर ही है और अगर मैं इसको डाउनलोड करने की कोशिश करता इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूं अपने मोबाइल में, तो ये कंपेटेबल नहीं है क्योंकि इसका हायर वर्जन है और आपके मोबाइल जो है इसको सपोर्ट नहीं करता है। तो ये भी रीजन हो सकता है। कोई बड़ा मोबाइल ले लीजिए और जो हैवी से हैवी एप्लीकेशन उसमें आप जो है रन करवा सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हो सकता है आपका मोबाइल जो है कंफर्टेबल ना हो, तो इसलिए जो है मेनली प्रॉब्लम जो है वही आती है। आप मोबाइल चेंज करके देख सकते हैं गाइज। साथ ही में आपको एक बात का और ध्यान रख लेना है, अगर आप किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हो, यहाँ पर सपोज कर लीजिए मैंने किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है और वहां पर जो है वो इंस्टॉल नहीं हो रही है, तो आपको जो है उस एप्लीकेशन को किसी और प्लेटफॉर्म से डाउनलोड करके देखना है क्योंकि प्रॉपर डाउनलोड नहीं होती है कोई एप्लीकेशन। आपने प्ले स्टोर से किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है और वहां से जो है फिर भी वो इंस्टॉल नहीं हो पा रही है, ऐसी ही प्रॉब्लम आपको शो कर रहा है, तो आपको करना है क्या, उसको अनइंस्टॉल करके फिर से उस एप्लीकेशन को यहाँ पर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करके देख लेना है। हो सकता 101% वो चल जाए, तो आपको ये काम कर लेने हैं। 5 से 6 तरीके मैंने आपको बताए हैं, आपको अप्लाई करने हैं और आपका जो प्रॉब्लम है वो 101% सॉल्व हो सकता है। और इस बात का ध्यान रखिएगा अगर आप कोई एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मोबाइल में जो है इस तरह की प्रॉब्लम शो हो रही है, तो आप किसी दूसरे मोबाइल में उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके देख सकते हैं क्योंकि कंफर्टेबल नहीं होता है आपका डिवाइस और ऐसे में जो है वो इंस्टॉल हो भी नहीं पाती है। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।